अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTM WORLD यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं शाओमी मी ए थ्री को। जी हाँ फ्रेंड्स, शाओमी मी ए थ्री को जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है, ताकि डिवाइस के अंदर कोई भी जो है थ्रेट्स ना मिलें, कोई भी जो बग्स वगैरह हैं उसको कम करने के लिए, डिवाइस की स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो दे दिया गया है। और ये अपडेट जो है एक स्टेबल अपडेट है। यहाँ पर आप लोगों के साथ इस डिवाइस के अंदर इन तमाम चीज़ों को शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको जैसे प्रेस करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज Xiaomi Mi A3 को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ उस अपडेट का इमेज जो है वो शेयर करता चलूँ, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं सिस्टम अपडेट इज़ अवेलेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट जो है वो अवेलेबल है। 45 यूरो एंड्रॉयड 1 फ़ोन विद द February 2021 सिक्योरिटी अपडेट फ्राम गूगल। यहाँ पर जो है डिवाइस की परफॉर्मेंस, डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर गूगल की तरफ से जो है February 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो दे दिया गया है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है जो अब मिल रहा है Xiaomi Mi A3 की डिवाइस को, विच इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड फिक्स बग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इस डिवाइस के अंदर फिक्सेस बग्स करेगा और डिवाइस की सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि Xiaomi के जितने भी अपडेट्स होती हैं या एंड्रॉयड 1 की जितनी भी अपडेट्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो है डिवाइस की स्टेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है, मगर जो बग्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं या नए जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम गूगल की तरफ से शुरू किया गया था अदर कंपनीज़ की कलेबरेशन के साथ, लेकिन काफ़ी मुश्किल जो है इसकी कलेबरेशन रही। Xiaomi Mi A3 का जो है ये लास्ट डिवाइस थी, इसके बाद वो Xiaomi Mi A4 जो है वो उसके कोई चांसेस नहीं हैं। मगर दूसरी तरफ जो है Xiaomi की बाकी डिवाइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो आ रही हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंदर जस्ट नोकिया और मोटरोला की डिवाइसेस हैं जो अपने कोलैबोरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं, और लेटेस्ट डिवाइसेस जो हैं वो नए फीचर्स के साथ जो है वो रिलीज्ड कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है इस अपडेट के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिवाइस की जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है और जो कुछ बग्स हैं उनको फिक्स किया गया है। दिस अपडेट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस अपडेट के अंदर जो है डिवाइस की स्टेबिलिटी यानी Xiaomi Mi A3 को स्टेबल किया गया, उसकी डिवाइस स्टेबिलिटी जो है उसको जो है इंक्रीज़ किया गया है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है उसके भी इंक्रीज़ किया गया है। आपको लैगिंग्स जो हैं वो कम देखने को मिलेंगी, कहीं जो भी बग्स वगैरह थे उनको रिजॉल्व किया गया है, और यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर आप लोगों को बेहतरी देखने को आएगी। डाउनलोडिंग अपडेट्स ओवर अ मोबाइल नेटवर्क और वाइल रोमिंग में काज एडिशनल चार्जेस है। और यहाँ पर भी जो है इन्होंने भी मेंशन किया गया, अगर आप मोबाइल के थ्रू इसको डाउनलोड करेंगे इस अपडेट को तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ सकते हैं। वो किस लिए पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट साइज़ है वो 1.45 GB का है। एक स्टेबल अपडेट का जितना साइज़ होता है, नए सॉफ्टवेयर अपडेट का जितना साइज़ होता है, यहाँ पर उतना ही अपडेट साइज़ जो है वो देखने को मिल रहा है Xiaomi Mi A3 के February 2021 के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा अपडेट साइज़ है, कोशिश करें इसको वाईफाई के थ्रू ही डाउनलोड करें, ताकि आपकी जो है एक्स्ट्रा चार्ज ना पे करने पड़ सकें आपके सर्विस प्रोवाइडर को सिम के थ्रू। तो जहाँ भी स्टेबल वाईफाई अवेलेबल हो वहाँ पर इस अपडेट को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस अपडेट के बाद डिवाइस की स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, लैगिंग वगैरह जो है वो कम हुई है, या जो है डिवाइस जो है आपके जितने भी बग्स थे वो फिक्स हुए हैं इस अपडेट के अंदर या नहीं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिवाइस का जो है अबाउट फ़ोन का जो ऑप्शन है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंड्रॉयड 11 ऑलरेडी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड है, और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड है जो मिल चुका है Xiaomi Mi A3 को बड़ी मुश्किल से बैचेस के साथ, और काफ़ी ज़्यादा कभी ये रोल आउट कर दिया जाता, कभी रोल बैक कर दिया जाता था। तो फाइनली जो है Xiaomi Mi A3 को एक और स्टेबल अपडेट जो है वो मिल चुका है एंड्रॉयड 11 का February 2021 के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ, और इसके अंदर गूगल
प्ले सिस्टम अपडेट है वो 1 जनवरी 2021 का है। यहाँ पर जो इसका बिल्ड नंबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर जो आप बिल्ड नंबर देख रहे हैं वो 12.0.6.0.RFQMIXM। जी हाँ फ्रेंड, ये बिल्ड नंबर है जो दिया गया है Xiaomi Mi A3 की डिवाइस को। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।